हम बात करने जा रहे हैं लाइफ हिस्ट्री ऑफ काइलोइन्फस केटलस या जिसे द टैप बोरर सूट बोरर के नाम से जानते हैं। यहाँ पे जो मैंने पिछले टॉपिक डिस्कस किया था कि गन्ने के तीन इन्फेक्टिव एजेंट होते हैं या गन्ने को तीन स्पीसीज नुकसान करते हैं, उसके जड़ों को नुकसान करते हैं, जो जड़ों को नुकसान करते हैं उसे रूट बोरर कहते हैं, जो जड़ों को नुकसान करते हैं उसे रूट बोरर कहते हैं, जो तनों को नुकसान करते हैं उन्हें सूट बोरर कहते हैं, और जो इनकी पत्तियों को नुकसान करते हैं उन्हें लीफ हॉपर के नाम से जानते हैं, उन्हें लीफ हॉपर के नाम से जानते हैं। तो ये गन्ने के इंफेक्शियस एजेंट होते हैं। एक्चुअली जैसे मैंने कहा था कि रूट बोरर की बात कर रहे थे तो मैंने कहा था इमेलोसेरा डिप्रेसेला जो रूट बोरर के नाम से जाना जाता है, जो गन्ने के जड़ों को नुकसान करते हैं, जड़ों को छिद्रित करते हैं, उसे नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं, उन्हें रूट बोरर कहते हैं। और गन्ने की पत्तियों को जो कुतरने का काम करते थे, गन्ने की पत्तियों के सेल से कोसा रस को सक करते थे, चूसते थे, और उस कोसा रस को सक करने के बाद उसके पत्तियों को नष्ट करने के साथ साथ पौधों को नष्ट करने का काम करते थे, उसे लीफ हॉपर कहते थे, जैसे आप लोगों को बताया गया था पाइला परप्यू सीला। और तीसरा जो लास्ट टॉपिक आप पढ़ रहे हैं सूट बोरर, यानी जो गन्ने के तनों को नष्ट करने या नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं उन्हें सूट बोरर कहते हैं, जिसका नाम है काइलोइन्फस केटलस। काइलोइन्फस केटलस जो लास्ट टॉपिक है इसमें गन्ने के पेस्ट के रूप में जो हम बात करते हैं, पेस्ट कहने का मतलब वे सूक्ष्म जीव या माइक्रोऑर्गेनिज्म जो फलों को, फूलों को, फसलों को, सब्जियों को, अनाजों को, इन सबको नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं, उन्हें हम पेस्ट कहते हैं। और ये पेस्ट आप सुगर केन के नाम से जाने जाते हैं, गन्ने का कीड़ा भी कहते हैं, जिसमें रूट बोरर जड़ भेदक हो चुका है, जो जड़ों को नष्ट नुकसान करते थे, लीफ हॉपर जो पत्तियों को कुतरने का काम करते थे, पत्तियों को नष्ट करते थे, जिसे हम लीफ हॉपर कहते हैं, और लास्ट पॉइंट आपका सूट बोरर जो आप डिस्कस कर रहे हैं, हम यहाँ पे उसके लाइफ हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, काइलोइन्फस केटलस जो उसके तनों को नष्ट करते हैं, नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं, और गन्ने के पौधों को नष्ट करने के साथ साथ गन्ने के उत्पादन की भी कमी कर देते हैं, वो काइलोइन्फस केटलस है। होता क्या है, सबसे पहले जो एडल्ट फीमेल होंगे, यानी जो फीमेल, वो फीमेल जो होंगी लगभग 300 से 400 अंडे देती हैं, और 300 से 400 अंडे जो होंगे वो पत्तियों के लोअर सरफेस पे क्रीमी व्हाइट स्केल लाइक के अंडे होते हैं, बिल्कुल स्केल लाइक क्रीम व्हाइट इन कलर, सफेद अंडे क्रीम जैसे होते हैं, पपड़ियों जैसे ये संरचनाएं होती हैं, उसे सुगर केन सूट बोरर के नाम से जिसे हम जान रहे हैं काइलोइन्फस केटलस, ये गन्ने के तनों पे और उसके लोअर सरफेस अपनी पत्तियों की निचली सतह पे अंडे देते हैं। प्रत्येक अंडे जो होते हैं लगभग ये 300 से 400 अंडे देते हैं, और ये अंडे 4 से 5 दिन के बाद अंडे टूटते हैं, और टूटने की प्रक्रिया हैचिंग कराती है। कैटरपिलर जो फार्म होगा वो लार्वल फार्म होगा, जो अंडे से बाहर आते हैं वो एक लार्वा होता है, वो 4 से 5 दिन के पश्चात जब अंडे हैच करते हैं, टूटते हैं, तो उससे बाहर एक लार्वा आता है, उसे हम कैटरपिलर लार्वा कहते हैं। और ये एडल्ट फीमेल जो मात होगी, वो एडल्ट फीमेल मात गन्ने के जो कीड़े जिस नाम से जाने जा रहे हैं, ये सभी के सभी शुगर केन के गन्ने के तनों को नष्ट करने का काम करते हैं, नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं, और इससे इसके द्वारा दिए गए जो भी अंडे होंगे, इनके अंडे देने की प्रक्रिया हम कोई प्रश्न करते हैं। ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल दिमाग में बैठाने वाली बात है कि एक लाइन कंडीशन या जो भी फीमेल होंगे उनके अंडे देने की प्रक्रिया कोई पोजीशन कराती है, और अंडे देने के बाद जो अंडों से टूट करके बाहर आते हैं उन्हें हम कैटरपिलर लार्वा कहेंगे, और अंडे जो दिए जाएंगे 300 से 400 अंडे दिए जाएंगे, पत्तियों के लोअर सरफेस पे दिए जाएंगे, पत्तियों के निचले सतह पे दिए जाएंगे, और इन अंडों से 4 से 5 दिन के पश्चात हैचिंग होती है, अंडे टूटते हैं, और उससे टूटने से एक लार्वा बाहर आता है, उसे कैटरपिलर लार्वा कहते हैं। कैटरपिलर लार्वा करता क्या है कि इन सारी चीजों को भोजन के रूप में इसके तनों से जितने कोसा रस होंगे, इसके जितने कार्बोहाइड्रेट कंस्टिट्यूएंट्स या भोजन के रूप में जो ग्लूकोज होंगे या सुक्रोज या सुगर होंगे उसको सक करते हैं, और पत्तियों से भी ये भोजन प्राप्त करते हैं, और यही कैटरपिलर जो है या कैटरपिलर लार्वा जो है वो 3 से 4 सप्ताह के पश्चात प्यूपेशन पीरियड में जाता है, यानी लार्वा की बॉडी के चारों तरफ प्यूपा बनता है, ये गन्ने के तनों को छिद्र करके उसी के अंदर एक कमरा बना लेते हैं, उसे प्यूपा करते हैं, और वो प्यूपेशन में जाते हैं, और इस पीरियड को प्यूपेशन पीरियड कहते हैं, और इस दौरान प्यूपा का निर्माण होता है। प्यूपा एक बॉडी होती है, जैसे कहने का मतलब क्या, आप लोग देखे होंगे
कि तितलियों का विकास जनरली वो लार्वा के रूप में होते हैं और एक छोटी सी संरचना बनती है जिसके अंदर ये अपने आप को बंद कर लेते हैं इसके लार्वल बॉडी को, और उस लार्वल बॉडी के दौरान होता क्या कि चारों तरफ से कवरिंग बन जाएगी और इस कवरिंग के अंदर जो तितलियां होंगी उनके पंख पैर ये सारी चीजें विकसित होती हैं, और ये उसके बाद जब कंप्लीट प्यूपेशन होता है बॉडी में मेटामॉर्फोसिस होगी, बॉडी में चेंजेज होंगे कंप्लीट डेवलप होने के पश्चात, इसके बाहर से इसको प्यूपा को कट आउट करते हैं, इसको तोड़ते हुए जो बाहर आते हैं वही एडल्ट फीमेल या मेल माथ होते हैं जो जो पंखों के साथ विकसित होते हैं, जैसे हम तितलियों की बात कर रहे हैं ना, तो उसी प्रकार यहाँ पे प्यूपेशन होगा और प्यूपेशन के द्वारा जो पैर का विकास नहीं हुआ होगा वो पंखों के रूप में विकसित होंगे, इस प्रक्रिया को प्यूपेशन के द्वारा जो चेंजेज होंगे उसे प्यूपा अंडरगोज मेटामॉर्फोसिस कहते हैं, बॉडी में चेंजेज होंगे मेटामॉर्फोसिस होगा और 5 से 7 दिनों के पश्चात यानी प्यूपेशन पीरियड जब भी होगा उसके 5 से 7 दिनों बाद यानी प्यूपा बनने के 5 से 7 दिनों बाद इसमें प्यूपा के अंदर बॉडी में इसके चेंजेज हो जाएंगे और कैटरपिलर लार्वा जो है बिल्कुल पंख युक्त उसके पास पंख का निर्माण हो जाएगा, हाईली डेवलप्ड बॉडी हो जाएगी और पूर्ण डेवलप बॉडी यानी पूर्ण विकसित शरीर के साथ एक एडल्ट फीमेल मास्क के रूप में एक फीमेल या मेल कीड़े के रूप में जो एक एडल्ट फीमेल या फीमेल मास्क कहलाएंगे जिन्हें हम काइलो इन्फस कैटलस कह रहे हैं या सूट बोरर, ये पूर्ण विकसित होते हैं और प्यूपा से ये बाहर आते हैं, फिर बाहर आने के बाद ये एक्टिव लाइफ सर्वाइव करते हैं और ये एक्टिव लाइफ सर्वाइव करने के दौरान फिर ये अंडे देने की प्रक्रिया बढ़ा लेते हैं, जो फीमेल होंगे वो अंडे देंगे, अंडे देने की प्रक्रिया वही पेशन कहलाएगी और यह प्रक्रिया इस प्रकार बार बार चलती रहती है, इसी को लाइफ साइकिल ऑफ काइलो इन्फस कैटलस या इसी को लाइफ हिस्ट्री ऑफ काइलो इन्फस कैटलस कहते हैं। ये गढ़ने के लगभग मोर देन 15% से अधिक गन्ने के उत्पादन और गन्ने की फसलों को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। दिस इज द लाइफ हिस्ट्री ऑफ काइलो इन्फस कैटलस।